हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सर्दियों की गर्मा गर्म रेसिपी लेकर के आई हूं। फ्रेंड्स, सर्दियों में तो हम लोग कई तरीके के पराठे बना के खाते हैं, जिनमें से एक है पालक के पराठे। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। ये मैंने पालक लिया है, यहाँ मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, 3-4 पानियों में अच्छे से धो लिया है इसको। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी पराठे बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पराठे बनाना। सबसे पहले की बात करूं तो ये 200 ग्राम पालक है। आप अपने हिसाब से अपने क्वांटिटी में ले सकते हैं, आपको जितना जरूरत है आप उतना लीजिए। बनाने के लिए इसको ना ही तेल में तलने की जरूरत है, ना ही इसको उबालने की जरूरत है। ये हम आटे में गूंद के बनाएंगे, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही पीस लेंगे। इसके अंदर अगर आप डालना चाहें तो लहसुन की 2-3 कलियां डाल सकते हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं और 2-3 आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर ये देखिए, मैंने पालक इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम मिर्ची। मिर्ची की क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको ज्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप ज्यादा तीखा कर सकते हैं, और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें तीखा आप कम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, अपने पराठे बनाने के लिए हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कटोरी आटा। आटे को छान लिया है मैंने। चलिए अब डाल लेते हैं आटे के अंदर कुछ मसाले। तो मसालों में यहाँ मैंने लिया है 1/2 चम्मच अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से मसल करके और डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग। इन पराठों को सादा बनाना चाहते हैं तो आप ही पालक का पेस्ट डालकर ही आटा गूंद सकते हैं। यहाँ मैं थोड़े से स्पाइसी और मसालेदार इन्हें बनाऊंगी, इसलिए मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। और आप चाहें तो ये सारे मसाले आप नहीं डालें। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आप इसमें ग्रेट करके भी डाल सकते हैं लहसुन अदरक। लहसुन खाना पसंद नहीं करते वो बिना लहसुन के भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 1/2 चम्मच डालूंगी मैं लाल मिर्ची पाउडर, और हमने जो पालक पीसा था उसके अंदर भी हमने हरी मिर्ची पीसी है, तो इस वजह से हम मिर्ची की क्वांटिटी कम रखेंगे। और आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप मिर्ची की क्वांटिटी तेज भी रख सकते हैं। और अब जाएगा इसमें स्वाद अनुसार नमक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, मिर्च और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने लिया है 1 छोटा प्याज और कुछ प्याज के पत्ते हैं ये। अगर आप लोग प्याज नहीं खाना पसंद करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन प्याजों का, इन पराठों के अंदर। आप एक बार इस तरीके से बना करके जरूर खा के ट्राई कीजिएगा, और फिर आप लोगों का फीडबैक मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ मिक्स कर लेती हूँ, सूखा ही। यहाँ ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालूंगी मैं पालक का पेस्ट। पेस्ट हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और पानी का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना, इसी से ही हमारा आटा लग जाएगा। और आटा हमें सॉफ्ट लगाना है, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। ये आटा हमें ऐसे चाहिए, ये देखिए जैसा हम रोटी बनाते हैं सॉफ्ट, उस तरीके से आटा लगाया है मैंने, और आप भी ऐसे ही लगाना। तो यहाँ पर 5-10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट पर रख देते हैं। चलिए बनाते हैं पराठे। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ले ली है, आप लोई छोटी बड़ी मीडियम कैसी भी ले सकते हैं, यह आपके ऊपर है। अब अगर आप मोटा पराठा खाना चाहते हैं तो आप लोई थोड़ी मोटी ले लीजिए। और यहाँ पर मैं ना ज़्यादा मोटा बनाऊंगी ना ही ज़्यादा पतला बनाऊंगी, मैं इसको मीडियम बनाऊंगी। तो उस हिसाब से मैंने ये यहाँ पर लोई ले ली है। मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम इसको बेल लेते हैं। और आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, तिकोना पराठा बना सकते हैं आप, चौकोर बना सकते हैं। तिकोना बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बेल लिया है इसको, और इसके बाद हम लगाएंगे इस पर थोड़ा सा ऑयल। तेल या घी आप जो भी कुछ लगा रहे हैं वो अच्छे से लगाइएगा आटा लगा के थोड़ा सा, और मैं इसको बेल लेती हूँ। ये हमारा तिकोना पराठा बन के रेडी हो चुका है। अब इसको मैं डाल देती हूँ तवे पर।
ये हमारा तवा गर्म हो चुका है, इसको मैंने 5 मिनट पहले ही गर्म करने रख दिया था। अब इसके ऊपर डाल दूंगी मैं हमारा ये पराठा। पराठे को हम पलट देंगे। ये देखिए एक साइड से हमारा इस तरीके से पक गया है। अब इस पर हम लगा देंगे ऑयल। आप घी बटर जो भी कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो इस पर कर सकते हैं। पराठों पर ज़्यादा चिट्टी लग जाती है, उसके बाद में हम ऑयल लगाते हैं तो एक साइड से पराठा बहुत ही हमारा जल्दी जल जाता है। अब ये जलेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से हमारा पक भी जाएगा। ये ऑयल हमने लगा दिया है। हमारा पराठा सीख के रेडी हो चुका है और ये खस्ता करारा पराठा बन के रेडी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा पराठा जो मैंने चौकोर शेप में बनाया है। तो आप लोग भी इस तरीके से बना करके पराठे बनाइए और खाइए। देखिए मेरा दूसरा पराठा भी बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा पराठा बहुत अच्छे से तरीके से सीख चुका है। करारा पराठा बन के तैयार हो चुका है पालक का। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए इसको और खाइए आप लोग। और सर्दियों में तो पराठे खाने का मजा ही और आता है। अलग अलग तरीके के पराठे बना करके और खाइए आप लोग। और अपना फीडबैक मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे पालक के पराठे गर्मा गर्म बन के रेडी हो चुके हैं और आप लोग इन्हें खाइए। आप दही के साथ खाइए, आप चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, कैसे भी खाइए। और आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी? आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।